हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फंटास्टिक लर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सबको जानना। तो ये होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, वो सिंपली अगर हम कहना चाहें तो वर्ब हमारी जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज हो, वही हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती है। सो फ्रेंड्स, इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वर्ब यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन और थिंग, विद द पर्सन और थिंग, या फिर हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ पर्सन एंड थिंग्स, राइट? यही हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, एक एग्जाम्पल है छोटा सा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही कम्स। यहाँ पे देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे कम। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हुई है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने समझा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, राइट? और क्या समझा? अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब देखिए, बहुत से बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, डायग्राम टाइप बना हुआ है। सिंगुलर वर्ब हमारी इज होती है, तो इसकी प्लूरल वर्ब क्या होती है? आर, राइट? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंगुलर वर्ब हमारी हैज होती है, तो इसका प्लूरल क्या होता है? हैव। इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, ये सब हमारी वर्ब्स होती हैं। तो इसकी प्लूरल वर्ब होती है आर, हैज की होती है हैव, वाज की क्या होती है? वर, राइट? सिंगुलर वर्ब वाज होता है एंड इसकी प्लूरल वर्ब होती है वर। और अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो उसकी प्लूरल वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? इस चीज का जरूर से ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, उन्हें कंफ्यूजन होता है। देखिए, नोट, इसे आप भी नोट कर लीजिएगा। अगर नाउन में एस या ईएस हम ऐड करते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है, राइट? ध्यान दीजिएगा, नाउन में अगर हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है, और अगर वर्ब में हम एस या ई एस यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारी सिंगुलर वर्ब बनती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, नाउन में अगर हम एस और ई एस ऐड करते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है। सो फ्रेंड्स, नाउन बिकम प्लूरल व्हेन एस और ई एस इज एडेड, तो हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। एंड वर्ब बिकम्स सिंगुलर व्हेन एस और ई एस इज एडेड। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है? इसे ध्यान दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स के बारे में समझेंगे, राइट?